नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता साथ में बहुत ही चटपटा चटनी और ऐसी चटनी जो आपने पहले नहीं खाया होगा तो बहुत ही यम्मी बनेगा तो पहले मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और उसमें डालेंगे एक प्याज और उसमें डालेंगे चार पांच लहसुन की कलिया तीन लाल मिर्च और इसके बाद डालेंगे एक बड़ा टमाटर छोटे हों तो मीडियम साइज की तो दो डाल देंगे और इसे एक मिनट तक हमें भूनना है उसमें डालेंगे सिर्फ नमक और मसाला डालने की जरूरत नहीं है और टमाटर जो हल्के से पकने लग जाए फिर इसके बाद से हम डाल रहे हैं भुनी हुई मूंगफली ये टेस्ट जो उसका एकदम अलग होने वाला है, है। और उस पर डाल रहे हैं यहाँ पे इमली का पर्व इमली को पहले भिगो लेंगे और उसके बाद उसके बीज निकाल करके उसके रस को हम इसमें डालेंगे फिर तीन चम्मच डाल रहे यहाँ पे नारियल का बुरादा आप चाहे तो यहाँ पे नारियल भी डाल सकते हैं और सबको अच्छे से भून लेने के बाद इसे अच्छे से ठंडा होने देंगी और इसके बाद ही इसे हम ग्राइंड करेंगे गरम गरम में ग्राइंड नहीं करेंगी तो बहुत ही यम्मी बनने वाला है ये चटनी वह जरूर ट्राई कीजिएगा चटनी के ऊपर से इसमें मस्टर्ड और डालेंगे करी पत्ता थोड़ा सा डालेंगे इसमें सरसों की सीड मस्टर्ड सीट जो है और इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे मिर्च मिर्च अपने अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर ले क्योंकि ये बहुत खट्टी हुई है इसलिए थोड़ा सा खट्टी के साथ तीखी होनी जरूरी है ये इस वजह से इसमें मिर्च जरूर ऊपर डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देना बहुत ही यमी लग रहा है ये चटनी वह जरूर ट्राई कीजिएगा साथ ही अब हम चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट तरफ तक बड़े बर्तन में लेंगे सूजी यहाँ मैंने चार ग्राम सूजी लिया हुआ है और उसमें डाल दें एक बड़ी कटोरी दही और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसे मिक्स करना है जब कभी कुछ हल्का खाने का मन करे क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होती आप बिना ऑयल के भी डाल सकते हैं तड़का भी डाल डालें तो बस नमक डालेंगे एक चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा और थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके इसे मिक्स कर लेना है और इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से और हेल्दी डाल बनाने के लिए इसमें वेजीज डाल देंगे तो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा प्याज गाजर को ग्रेट करके डाल देंगे साथ ही डाल देंगे छोटा सा चुकंदर चुकंदर से कलर बहुत अच्छा आएगा टेस्टी भी होता है ढेर सारा डाल देंगे धनिया पत्ती यहाँ पे मन करे तो थोड़ा सा हरी मिर्च को बारीक बारीक करक कट करके भी डाल देंगे तो ये नाश्ता जो है सुबह सुबह के लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छा है हेल्दी है साथ ही जो है इसमें ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो इसलिए सभी के लिए खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्दी है हम बच्चों के ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं क्योंकि बच्चों को ज्यादा ऑयल खाना जरूरी नहीं है ऊपर से हम तड़का मार रहे हैं आप चाहे तो ये तड़का न डालें अगर एकदम से जीरो ऑयल बनाना चाहते हैं तो ये तड़का भी नहीं डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड सीड डालकर तड़का लगाया है आप हमारी इच्छा है तो आप वो न डालें बस इसके बाद इडली स्टैंड बना लें या फिर कटोरी में बना लेते हैं हम इसे तो हल्का सा ऑयलिंग करेंगे और उसके ऊपर से हम इसे एक एक चम्मच डाल देंगे और इसके बाद हमें इसे स्टीम इस से पका लेना है तो अगर इडली स्टैंड नहीं हो और हमें इसे बड़े से अलग साइज बनाना हो तो हम जो यहाँ पे कटोरियों में भी बना सकते हैं केक वाले मोल्ड में बना सकते हैं तो बनाना किसी में अपनी इच्छा अनुसार जो हम बना लेंगे पांच मिनट पकने देंगे और बस इसे सर्व कर लेना है खास करके ये चटनी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया क्योंकि हमने चुकंदर डाला था ना और ऊपर से हरी हरी जो धनिया पत्ती दिख रही है और ये चटनी तो बहुत ही यम्मी लगने वाला है बहुत पसंद आएगा सभी को क्योंकि इसमें बहुत तीखापन भी है और एक खट्टापन भी है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा अच्छी लगी तो बना के ज़रूर खाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आई या नहीं आई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खाइए पीजिए और मस्त रहिए